और साइटेशन वगैरह जब देते हैं तो आपसे कहा जाता है एपीएफ फॉर्मेट में साइटेशन दें, तो अक्सर आपने सुना होगा रिजल्ट भी एपीएफ फॉर्मेट में दें, टेबल्स भी एपीएफ फॉर्मेट में हो, तो वो आपसे कहते हैं कि जो टेबल्स है आप उसे एपीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, लोग रिजल्ट लेते हैं उसको एक्सेल में कन्वर्ट करते हैं, सीखते हैं एपीए में कैसे करना है, एसपीएसएस में डायरेक्ट ऑप्शन है, मतलब अगर आप चाहेंगे ना तो ये आपको टेबल एपीए में ही देगा। अब इसके दो तीन तरीके हैं, हो सकता है मेरे पास तो लेटेस्ट वर्जन है 29, हो सकता है आपका ओल्डेस्ट वर्जन हो, तो ओल्डेस्ट वर्जन में डायरेक्ट ऑप्शन ना हो तो इसके तरीका सीख लेते हैं। मिसाल के तौर पे माने कि मैंने रिग्रेशन रन किया, ठीक है दिखाता हूँ आपको, मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल डाल दिया और मैंने ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने कह दिया ओके, ये रिग्रेशन के रिजल्ट आ गए, ठीक है, ये एसपीएसएस का बिल्ट इन फॉर्मेट है, ये बात समझ में आ गई, ये एसपीएसएस का बिल्ट इन है। अगर आप देखें ना, अगर आप फ्रिक्वेंसी टेबल वगैरह मांगे तो ये देखिए, आप फ्रिक्वेंसी टेबल में ना उसने नीचे एक ऑप्शन दिया वो क्रिएट एपीए स्टाइल टेबल, अब यहाँ पे चेक लगा के डायरेक्ट इसको एपीए में, यानी आप इसे कहते कि टेबल दे ही एपीए फॉर्मेट में, तो ये आपको डायरेक्ट एपीए फॉर्मेट में दे देता, ये बात समझ रहे हैं, अगर चेक नहीं लगाएंगे तो बिल्ट इन ऑप्शन में देंगे, चेक लगा देंगे तो एपीए में ही देंगे, डन। लेकिन एज्यूम करते हैं मेरे पास पुराना वर्जन है जिसमें एपीए वाला ऑप्शन वो नहीं दे रहा और ये रिजल्ट आ जाते हैं, अब इस रिजल्ट को करना क्या है, इसके ऊपर डबल क्लिक करें, ये एडिट मोड में आ जाएगा, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद देखें ये लिखा हुआ फॉर्मेट, फॉर्मेट दिख रहा है आपको, फॉर्मेट के बाद पहला ऑप्शन क्या है, टेबल लुक, इस पर क्लिक करें, यहाँ पे देखें एपीए आ गया आपके पास, एपीए एकेडमिक्स जो भी आपने इसको एकेडमिक्स किया तब ओके किया बाहर आ जाए, अब ये देखें ये फॉर्मेट चेंज हो गया, ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया। अब मुझे इस टेबल को चेंज करना है, क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, उसके बाद फॉर्मेट में जाऊँगा, टेबल लुक, और टेबल लुक में जाके मैं इसे एपीए करना चाहूँ, अकेडमिक्स करना चाहूँ, जो भी करना चाहूँ, ये मैंने कहा एपीए में करो, टाइम न्यू रोमन में ओके कर दिया, बाहर आ जाए, देखें एपीए फॉर्मेट में आ गया, डन। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते थे, हमने इससे पहले रन क्या किया था, लीनियर रिग्रेशन, ये बात समझ में आ रही है आपको, अच्छा चलें ये भी एक अलग वीडियो में सीखते हैं कि फॉर्मेटिंग में हम क्या क्या किसको कंडीशंस दे सकते हैं और क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं, इसमें कोई चीज सीखते हैं। अगर आप कहेंगे हमारे पास मल्टीपल टेबल्स है और हर टेबल पर हम डबल डबल क्लिक करते रहें और हर किसी को अकेडमिक से एपीए में कन्वर्ट करते रहें, इससे बेहतर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि टेबल आए ही सारे के सारे एपीए में, तो इसका तरीका क्या, कैसे करेंगे, ये एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऑप्शन पर क्लिक कर दें, ये भी सब बिल्टन पे चल रहा है, ठीक है, अब ये देखें लैंग्वेजेस क्या है, क्लासिक लैंग्वेज व्यूअर, ये इसका बिल्टन है, जैसे एक्सेल में होता है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन देख रहे हैं टेबल्स का, देखा, इसको क्लिक कर दें, यहाँ पे देखें सिस्टम डिफॉल्ट लिखा हुआ है, आप इसको अकेडमिक्स करना चाहें, एपीए करना चाहें, जो भी करना चाहें, अगर मैं इसको अकेडमिक्स करके अप्लाई कर देता हूँ तो ये हाँ सब एपीए में ही आएगा। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट्स डाल देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जो भी टेबल मैं रन करूँ, जो भी वो रिजल्ट देखे उसको पता हो कि ये टेबल मैंने रन की है, तो देखें कमेंट में मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया है, दिख रहा है आपको कि मैं चाह रहा हूँ कि जब भी टेबल आए तो इसमें मैं कस्टमाइज फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ, ताकि किसी के पास भी मेरे बनाए हुए रिजल्ट जाए तो उसको देख के समझ में आ जाए कि भाई सब किसने रन किए होंगे, कहाँ से लेके आ रहा है, इस पर चेक हटा दूंगा, कमेंट सारे हट जाएंगे, क्लियर हो गया। तो इसमें तमाम ऑप्शंस होते हैं, एक एक करके हम तमाम ऑप्शन डिस्कस करेंगे, चार्ट क्या है, आउटपुट क्या है, करेंसी क्या है, डेटा क्या है, डन। इस वीडियो में हमने सीखना था एपीए फॉर्मेटिंग, तो सिर्फ इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं, बाकी किसी ऑप्शन को डिस्कस नहीं कर रहे, डन। तो अभी मैं इसको अच्छा अप्लाई भी करेगा, पहले अप्लाई करेगा उसके बाद ओके करेगा, एपीए वाला प्रॉब्लम समझ में आ गया, तो अगर आपने रिजल्ट एपीए में लेने तो किस तरह होगा, क्लियर है, चलें आगे।